ले जाने के बाद ऐसे हाथ में गद्दी गई झारखंड की कि जिस दिन से झारखंड की गद्दी उन लोगों ने संभालने का काम किया है, भोलापुर विधानसभा सहित भोलापुर प्रमंडल सहित पूरा झारखंड आज अंधकार का जिंदगी, आताताई का जिंदगी, भ्रष्टाचार का जिंदगी जीने पर मजबूर है। यह एक एक जनता इस बात को जानती है। आपके समय में आपने 181 नंबर चालू किया था, किसी गरीब दलित शोषित किसान मजदूर नौजवान महिला पुरुष छात्र किसी को भी नहीं पता था तो 181 पर वो डायल करते थे और प्रशासन भागता हुआ आता था और उन गरीब का समस्या का समाधान करता कराता था। लेकिन दुर्भाग्य इस बात का है कि आपके जाने के बाद और हेमंत सरकार के आने के बाद सबसे पहला जो यह सरकार ने काम करने का काम किया, जनता से सरकार के संवाद को बंद करते हुए 181 को बंद करके अपना पूरा का पूरा मंसूबा बताने का काम किया कि हम जनता से संपर्क में नहीं रहना चाहते, हम जनता के लिए कुर्सी पर नहीं बैठे, हम परिवार के लिए बैठे हैं, हम केवल लूटने के लिए बैठे हैं। 181 नंबर बंद करके यह संदेश देने का काम किया। महोदय, आप जो 108 एम्बुलेंस चलाए थे, आपके मुख्यमंत्री काल में हम लोग फोन करते थे, एक समय दहेड़िया के आगे घटना हुआ था, खुद हम विधायक थे, आप मुख्यमंत्री थे और एक महीना पहले 108 एम्बुलेंस शुरू हुआ था। मैंने फोन किया और 15 मिनट के अंदर एम्बुलेंस दहेड़िया घाट में पहुंच करके उन दोनों लोगों को उठा करके गढ़वा जाकर के इलाज कराने का काम किया। लेकिन महोदय, आज 1.5 महीना पहले उसी दहेड़िया घाट से थोड़ा आगे भवानपुर नगर के बॉर्डर पर रात के 8 बजे घटना हुआ और आपका विधायक फोन लगाते रह गया। फोन कभी कहता है यह नंबर उपलब्ध नहीं है, यह नंबर स्विच ऑफ है, पता नहीं 108 को भी आपके जाने के बाद यह हेमंत सरकार खा गया कि क्या कर दिया। हमारे गरीब इलाज के लिए आज परेशान है, उनका कोई सुधि लेने वाला नहीं। आपने जो ऑनलाइन कागज जमीन का करवाने का काम किया था, आपके जाने के बाद यह आताताई सरकार आपने जितना कराया उसके बाद ऑनलाइन की प्रक्रिया को बंद कर दिया, ना रजिस्टर टू पूरा ऑनलाइन हुआ, ना पूरा ना खतियान ऑनलाइन हुआ। आज हर गरीब अगर अंचल में जाता है तो रजिस्टर टू और पुराना खतियान के लिए उससे नजराना मांगा जाता है और जब गरीब नहीं दे पाता है तो उसका जमीन मजबूत लोग जोत ले रहा है। यह हमारे झारखंड में हो रहा है, यह सरकार में हो रहा है। महोदय, मैं आपको बताना चाहता हूं, ऐसा भ्रष्टाचार है महोदय, ऐसा भ्रष्टाचार है, इज्जतदार आदमी थाना और ब्लॉक जाना छोड़ती, इज्जतदार आदमी पहले पैरवी करने जाता था तो उसको कुर्सी मिलता था, पानी मिलता था, उसके बाद को थाना और अंचल में सुना जाता था। लेकिन यह सरकार आने के बाद कोई भी गरीब जाता है तो पानी और कुर्सी की तो बात छोड़ दीजिए, तमीज से उनसे लोग बात भी नहीं कर रहे हैं। आपके चांदी के बाद इतनी व्यवस्था बदल गई है, यह सच्चाई है कि नहीं है, बताइए, है कि नहीं है? इज्जत से लोग बात भी नहीं कर रहे और घुसखोरी तो इतना चरम सीमा पर है। आपके समय में मोदी जी 1,40,000 रुपए आवास के लिए देते थे, गरीब जाता था और यही बगल में नदी है, उठा के ला करके अपना पीएम आवास बना लेता। लेकिन आप जैसे ही गए, हेमंत सोरेन की सरकार आई और बालू को सोना बनाने का काम किया। आज बालू का ऐसा स्थिति है कि गरीब अगर एक मुठा लेने जा रहा है तो ऐसा पुलिस उसको पकड़ करके फाइन और जेल में डालने का काम कर रही है, जैसे लग रहा है बालू आज सोना हो गया है। ऐसा इस हेमंत सरकार में होने हो, और पुलिस को अगर यहां बिलासपुर नदी से कोई बालू उठा रहा है और नगर उतारी में सेंट्रल बैंक लूटा जा रहा है, दोनों फोन थाना में साथे जाएगा कि देखिए यहां बैंक लूटा रहा है, कोई बोलेगा देखिए यहां ट्रैक्टर पर भगवान विश्वकर्मा बालू लोड कर रहा है तो बैंक डकैत को छोड़ देगा।
भी भालू पकड़ने के लिए लगा हुआ है, हो रहा है और क्या हो रहा है महोदय आपके जाने के बाद? ये लैकन जितना है ना वही अमल के बिना मोछ वाला देख रहे होंगे, और हम लोग मोछिया बोलते हैं अपन भाषा। इन लोगों के ससुराली से बहुत लोग के मोटरसाइकिल मिला है और मोटरसाइकिल स्टार्ट करके अब परिवार के बैठा करके बंसीधर में जब दर्शन करने जाता है तो बंसीधर से पहले आपका गोसाई बाग में मोटरसाइकिल चेक के नाम पर 10,000, 20,000, 15,000 हर एक गरीब को मोटरसाइकिल के लिए लूट लिया जा रहा है। यह हेमंत सरकार में हो रहा है, हर तरफ से गरीबों का लूट है महोदय। अनाज पूरा नहीं मिल रहा है, आपके समय में जो अनाज पूरा मिलता था वह अनाज मिलना भी बंद हो गया। मोदी जी एक अनाज दे रहे हैं, एक कोरोना का अनाज मिल रहा है, दोनों अनाज मोदी जी भेज रहे हैं, लेकिन इस भ्रष्ट सरकार में तंत्र इतना भ्रष्ट हो गया है कि बूढ़ा बूढ़ी जा रहा है तो दोनों ठेपा लगा दे रहा है, एक एक हवा अब एक एक अनाज दे रहा है। गांधी का दिल कि होते कि नहीं तो बताइए ना, तो हम कैसे ऐसे होता है, होते कि नहीं? दोनों अनाज का ठेपा लगा ले रहा है और एक अनाज दे रहा है, एक अनाज पूरा का पूरा यहाँ का पदाधिकारी, यहाँ का मंत्री और पूरा सरकार पूरा गरीबों का निवाला खाने का काम कर रहा है महोदय। यह मैं आपको बताना चाहता हूँ, इस सरकार में गरीब भी सुरक्षित नहीं है। और क्या किया आपके जाते ही कृषि आशीर्वाद योजना बंद कर दिया, जो एकड़ पर 5,000 रुपया 5 एकड़ तक के किसान के लिए 25,000 रुपया आप देते थे, यह सरकार बंद कर दिया। और तो और महोदय आप जब मुख्यमंत्री थे तो झारखंड में प्रधानमंत्री कृषि सम्मान राशि 28 लाख लोगों को मिलता था, और आज विधानसभा में जब मैंने प्रश्न किया, मैं आपको बताना चाहता हूँ इस सरकार के निग्लिजेंसी के चलते मात्र 12 लाख लोगों को प्रधानमंत्री सम्मान निधि का पैसा मिल रहा है। तो आप सोचिए कहाँ 28 लाख और कहाँ 12 लाख, कितना किसान का गर्दन यह सरकार ने काटने का काम किया है। महोदय मैं पूरे जनता के साथ जिम्मेवारी के साथ यह कह सकता हूँ कि झारखंड को अगर कोई बचा सकता है तो रघुवर दास बचा सकता है, दूसरा कोई नहीं बचा सकता है, यह मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ। एक एक जनता राम भगवान का वनवास से लौटेंगे, कब वनवास उनका खत्म होगा और कब भगवान राम पधारेंगे, और आपके माँ पिता तो इतने पुण्य किए होंगे कि अपने बेटे का नाम भी रघुवर यानी भगवान राम के नाम से रखने का काम किए थे। महोदय मैं आपको बताना चाहता हूँ, महोदय आपका देन है कि आज बिलासपुर गांव में, गंगटी गांव में, हमारे पतरिया गांव में, हलबंदा गांव में, हर एक गांव में 20 घंटा बिजली रहा थे कि नहीं चाची, बिजली रहा थे कि नहीं? अब पहले मोबाइल चार्ज करने के लिए हम लोगों को सोचना पड़ा। अभी जब बिलासपुर से हम लोग घुसे तो सर हमसे पूछ रहे थे, भानु जी गेहूं क्या चीज से सिंचाई होता है? हम कहे सर आप चौपाल लगाने जा रहे हैं या बिलासपुर के किसान से पूछिएगा तो बिलासपुर के किसान छाती ठोक करके बोलेगा रघुवर दास इसमें आधा हिस्सा आपका है, आधा हिस्सा हमारा है, आपने जो बिजली दिया हम उससे ये गेहूं पैदा कर रहे हैं। नहीं तो तीन टंगवा घास ही में नहीं हो रहा था, गलती का चीज बताओ बहुत रहा है, धान हो जाने के बाद कुछ नहीं होता था, आज गेहूं हम लोगों का होगा। ऐसे विकास पुरुष का आज आवश्यकता है, बहुत ज्यादा गहराई में नहीं जाते हुए विलंब बहुत ज्यादा हुआ है। आप यहाँ अंतिम विधानसभा के अंतिम गांव में आकर के हमारे क्षेत्र को धन्य करने का जो काम किया है, मैं चाहता हूँ आने वाला समय में चाहे बेरोजगारी का सवाल हो, चाहे आपका बालू का सवाल हो, चाहे आपका भ्रष्टाचार का सवाल हो, हर समय आप आंदोलन के लिए तैयार रहिए। भवनाथपुर विधानसभा क्षेत्र का